तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक कौशिक और आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल क्रिएटिव माइंड्स पर। आज कैसे एडिटिंग होने वाला है आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं इसलिए आगे कर लूंगा कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट। और सबसे पहला स्टेप हमारा है कि इस इमेज को कटआउट करना है। और कटआउट करने के लिए आप कोई से भी टूल यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप थोड़ा बहुत भी फोटोशॉप चलाते हैं तो आपको पता होगा क्विक सिलेक्शन है वगैरह वगैरह बहुत से टूल है, लेकिन मैं यूज करता हूँ पेन टूल। और आपको भी पेन टूल ही यूज करना चाहिए। जितने भी प्रोफेशनल लोग रहते हैं एडिट करने वाले ज्यादातर पेन टूल से ही कटआउट करते हैं सब्जेक्ट को। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको कटआउट करता हूँ। तो ठीक है गाइस, हमने पेन टू से पूरा सेलेक्ट कर लिए हैं, तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिलेक्शन में। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैक सिलेक्शन करूंगा, फेदर दूंगा 0.05 का। ठीक है, अब इसको और अच्छे से सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा सिलेक्ट पे और यहां से चूज करूंगा सिलेक्ट एंड मास्क। यहाँ पे आऊंगा अच्छे से देखने के लिए मैं चूज करूंगा यहां से ओवरले, जैसे कि आप देख सकते हैं हेयर अच्छे से सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं इस वाले टूल को लूंगा और जहां जहां हेयर है वहां पे इसको थोड़ा थोड़ा चलाऊंगा। तो आप देख सकते हैं हेयर को थोड़ा अच्छे से सिलेक्ट कर रहा है और जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर रहा है। तो आपको ऐसे ही चला लेना है। तो ठीक है गाइस, हेयर भी अच्छे से सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको यहाँ का सेटिंग कुछ बताना चाहूंगा। थोड़ा सा इसमें फेदर दूंगा, मैं 0.6 रख लेते हैं। शिफ्ट टच करूंगा लेफ्ट साइड थोड़ा -3। ओके, यहाँ पे आएंगे आउटपुट सेटिंग और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नीले लेयर पे चाहिए या फिर सिलेक्शन बस चाहिए या फिर नई लेयर के साथ आपको मास्क भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल करूंगा सिर्फ नीले लेयर पे, यहाँ पे ओके हिट करूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा इमेज कट आउट हो चुका है। इसको और अच्छे से देखने के लिए आप यहाँ से सॉलिड कलर ले सकते हैं, सॉलिड कलर ओके करूंगा। तो ठीक है, कट आउट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हम अब ओपन करेंगे लिक्विफाई पैनल को, थोड़ा सा हेयर को सेटिंग करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस करेंगे आप। कंट्रोल शिफ्ट एक से प्रेस करूंगा मैं, तो ठीक है लिक्विफाई ये पैनल ओपन हो चुका है। आपको इस वाले टूल को लेना है और हेयर को थोड़ा उठाना है यहां से। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे उठा सकते हैं। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। तो ठीक है गाइस, हो चुका है, तो मैं ओके करूंगा। तो ठीक है, हेयर भी थोड़ा अच्छे से हो चुका है। इसके बाद थोड़ा फेस और स्किन को रिटच करेंगे। तो मैं इसका डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ। जाएंगे फिल्टर पे, चूज करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। तो ठीक है, आ चुके हम कैमरा रॉ फिल्टर पे। मैं यहाँ से
थोड़ा ऑरेंज का लुमिनेंस बढ़ा दूंगा, थोड़ा रेड का भी, और यहाँ से नॉइस को करेंगे हम अराउंड 80 के आसपास। थोड़ा सा एक्सपोजर हाई करूंगा मैं, और थोड़ा सा येलो टोन दूंगा, ठीक है, ओके हिट करूंगा। इसके बाद इस पे मास्क अप्लाई करूंगा मैं, और इसको करूंगा कंट्रोल आई, ब्रश टूल लेंगे, ऑपेसिटी फ्लो को 100 रखेंगे, और जहां जहां स्किन है वहां वहां हमको पेंट करना है। तो आप देख सकते हैं, तो मैं पेंट कर लेता हूं। तो ठीक है गाइस, जहां जहां पे स्किन था वहां पे ब्रश ला लिया है, और जैसे कि आप फेस को देख सकते हैं रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, तो मैं थोड़ा कम करूंगा इसको। इसके लिए मैं थोड़ा ओपेसिटी को कम करूंगा, यहाँ से लूंगा ब्लैक कलर, और मास्क के रहते हुए जहां जहां कम करना है वहां वहां मैं ब्रश डालूंगा। तो ठीक है गाइस, देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसका ओपेसिटी कम करूंगा और थोड़ा रियल दिखे इतना, ठीक है। 61 पे देख सकते हैं, पहले का है, बात का है। तो ठीक है, अब हम इन दोनों लेयर को मर्ज कर लेंगे। तो ठीक है गाइस, स्क्रीन रिटचिंग हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे बैकग्राउंड को इंपोर्ट। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से इसको यहाँ पे ला लेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कंट्रोल टी। तो ठीक है गाइस, मैंने सेट कर लिया है, थोड़ा तो क्रॉप करूंगा इसको। अब इसके बाद जो भी काम होगा लाइट एंड शेडो पे होगा, तो मैं पैर पे शेडो देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आऊंगा, एक कर्व टूल लूंगा, क्लिपिंग मास्क करूंगा, इतना काफी है, कंट्रोल आई, ब्रश टूल लूंगा और यहाँ पे चलाऊंगा, व्हाइट कलर रहना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे मास्क पे तो मैं चला लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, मैं अब यहाँ पे आऊंगा, एक और करवट टूल लूंगा, इसको नीचे करेंगे, फ्लिपिंग मास्क, कंट्रोल आई, व्हाइट सिलेक्ट करके यहाँ पे चला लेंगे। तो ठीक है गाइस, थोड़ा मैंने शेडो दे दिया है, आपको इसी कर्व पे पूरा काम करना है।
जैसे कि लाइट देने के लिए मैं एक और करवा लेता हूँ, और जैसे कि जहाँ मुझे लाइट चाहिए इलिंग मास्क करेंगे, यहाँ से थोड़े इसके ऊपर रखेंगे कंट्रोल आई। अब मुझे जहाँ पे लाइट चाहिए जैसे कि इस ऊपर में, तो मैं ऐसे यहाँ पे चला लूंगा। तो ऐसे आपको पूरा काम करना है तो मैं जल्दी से फास्ट काम कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, इसके बाद हम इसका शेडो बनाएंगे सब्जेक्ट का, इसलिए मैं करूँगा कंट्रोल जे। इस पे आएंगे, करवट लेंगे, क्लिपिंग मास्क करेंगे और पूरा इसको नीचे कर देंगे, कंट्रोल डी करेंगे इसको। थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करेंगे, यहाँ पे आऊंगा और चूज करूंगा डिस्टॉर्ट, और थोड़ा सा इसको इधर निकाल देंगे। यहां से वार्प लेंगे, ठीक है, एंटर करूंगा। यहाँ पे आएंगे फिल्टर पे, चूज करेंगे ब्लर, इसके बाद आएंगे गॉसियन ब्लर पे, गॉसियन ठीक है, ओके करूंगा। थोड़ा ओपेसिटी कम कर देंगे इसका, देखते हैं। तो ठीक है, इसका शेडो हो चुका है। तो ठीक है, इसके बाद मैं एक चीज और करूंगा, जैसे कि यहाँ पे लाइट है तो लाइट इस पे थोड़ा पड़ना चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे आऊंगा, चूज करूंगा सॉलिड कलर, यहाँ से कलर को करूंगा पूरा रेड, ऐसे चूज करूंगा ओवरले, मास्क पे आऊंगा, कंट्रोल आई करूंगा, ऐसे ब्रश टूल, और थोड़ा यहाँ से चला लूंगा यहाँ पे। तो ठीक है, तो लगभग शेडो एंड लाइट भी हो चुका है, शेडो भी हो चुका है। इसके बाद अब हमें करना है की प्रेस करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज और करना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पे आऊंगा और इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे। अच्छे से देखने के लिए थोड़ा ऑपेसिटी कम कर देता हूँ, ठीक है, इंटर करूंगा, ऑपेसिटी फुल कर दूंगा। यहाँ पे आऊंगा, यहाँ से करूंगा स्क्रीन, यहाँ से इस पे क्लिपिंग मास्क करते हैं और इसका सेचुरेशन 0 करेंगे, बस इतना। ठीक है, इस पे मास्क अप्लाई करते हैं, और जहां जहां पे नहीं चाहिए वहां पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके ब्रश लाएंगे वहां पे, तो इरेज होगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे उतना नहीं चाहिए। ठीक है, ये इसका मैं डुप्लीकेट करूंगा, एक और लूंगा इसी, कंट्रोल जे करूंगा, यहाँ पे आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिपिंग मास्क करेंगे, इसका भी सेचुरेशन 0 कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, ब्लैक कलर ब्रश टूल लेंगे, ऑपेसिटीज पर बढ़ा देते हैं,
और जहां जहां मुझे नहीं चाहिए वो उनको इरेज कर दूंगा मैं। इसमें भी थोड़ा इसका ऑपेसिटी को एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा कम। ठीक है, सही लग रहा है। इसके बाद हम अप की प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करते हुए ई प्रेस करेंगे तो सभी लेयर को मर्ज करके आपस में दे देगा। इसके बाद हम चलते हैं कैमरा फिल्टर पे, सॉरी कैमरा रॉ फिल्टर पे। यहाँ से कैमरा और गाइस अगर आपने थोड़ा बहुत लाइटरूम चलाया है तो सेम ये उसी की तरह है, कैमरा रॉ फिल्टर। आप इसके बाद आप जैसे भी चाहे इसको कलर ग्रेड कर सकते हैं, तो आपका मर्जी, आप जैसे भी करो। तो मैं कर लेता हूँ इसको। तो ठीक है गाइस, फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कैसे एडिटिंग हुआ है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।